सो गाइस, मुझे लगा था कि ये अगर कोई आता है लड़ने झगड़ने तो ये उसमें साथ देगी, बट ये कुछ भी नहीं कर पाई। इनको बोलना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि वो बिना मतलब का आया, हाथ लगाया, कॉलर पकड़ा। अगर मेरे पास फोन नहीं रहता तो फिर क्या होता, रिकॉर्ड हुआ ना। तुम उसको समझा भी नहीं सके, बस तुम चुपचाप थी। बदतमीज लड़के सबसे हम क्या मुंह लगेंगे, उसके क्या हम हाथ उठाएंगे, उसके झापड़ तो क्या झापड़ दे देना चाहिए, कैसे झापड़ देने, जैसा करेगा भाई सब होना चाहिए ना। तो हम झापड़ दे देते तो क्या, लगा देती उसको। अच्छा, देख लेते क्या, देख लेते फालतू का बात कर रहे हैं। ओके तो क्या कुछ भी होगा तो मतलब मेरे पे ही फेंक देना। तो गाइस जब भी सीपी आते तब न कुछ झगड़ा होते रहता है। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे साथ। हल तो मेरे पे फेंक देता था वो लड़का आया, आप हम तो उसको बोले ही ना आप हाथ मत लगा, लेकिन अब अगर वो लगा रहे तो क्या बोल सकते उसको। हम तुम्हारे वजह से उसको कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि तुम मेरे साथ था। हाँ, साथ तो, थी तो, नहीं तो फिर उसके कॉलर पकड़ने में मेरा कितना टाइम जाता। तो हम क्या बोल देते, हम क्या बोल देते उनको, छोड़ो ऐसे ही रह जाएगी सब दिन। तुमको इससे कुछ होने वाला नहीं है, बस तुम ऐसे ही बैठे टाइम 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 मेरे साथ ही कर लेगी। तो हम दुनिया के साथ क्यों करें, हमको मेरा कौन लगता है जो मुझके साथ फालतू बकवासी करेंगे। औकात दिखा देती है ना, क्या औकात दिखा देती, क्या किसी को फालतू काम बोलेंगे। जब उसको बोले कि आप हाथ नहीं पकड़ो, आप ऐसी बदतमीजी मत करो, तो उसको यही बोल सकते ना। ऐसा नहीं है कि हम सुपड़ा गल्ला पकड़ सकते हैं, उसको ऐसे बोल सकते हैं, ये सब चीज़ तो नहीं है ना। अगर हम मुझसे हाथ उठा देते बाद में आप ही हमको बोलते कि सुनो हम बात कर रहे थे, क्यों हाथ उठाई तब। आप तो जाइए, तो गाइस ऐसे ही बनते हैं व्लॉग, जो कि हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। वो सामने से भी देख के हंस रही है, तो आप इधर देख सकते हो, एंड ऐसे भी आपको दिखा देंगे पीछे से हम की देख रहे हैं। तो बस और मेरा सिंगल का रिएक्शन तो कुछ ज्यादा ही रहा था, लेकिन क्या करें, गाइस कहते नहीं जिन पे हंसता है वही फेमस होता है। काफी ज्यादा भी दिल्ली का गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। जो भी सिंधु देखती ना, पहले तो एक लड़की आई गाइस ऐसे पीछे जा रही थी, सडनली हम उसको ऐसे देखे तो वो ऐसे डर गई। उसके आगे जाके क्या करती है, हे भगवान, इस तरह से करती है वो। कितना अच्छा, जूता का सूच बांधो, खुल गया, देख लीजिए क्या क्या काम करना पड़ता है। तो गाइस हम व्लॉगिंग बनाएंगे, इसको तो बांधना तो पड़ेगा ना। खाना बनाने का मेरे से कुछ नहीं, हम जाके सोएंगे। तो हम भी सोएंगे, हमको खाना अगर आज नहीं खिलाइएगा तो 6 दिन खाना खाने भूल जाएंगे। तुमको नहीं पता मेरा क्या हाल हो रहा है, आपको नहीं पता मेरा क्या हाल हो रहा है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मेरा पैंट देखिए येलो हो गया पानी पीने से। यहाँ देख सकते हो क्या लुक बन रहा है इसका, पता नहीं कैसे हो गया ये, हम लोग को भी नहीं पता। और इधर पब्लिक देखो कैसे कैसे घूम घूम के स्माइल कर रही है। तो हम कैमरा भी तो मूव कर सकते हैं, साथ में मूव हो सकते हैं ना। तो हमको आता नहीं है ना, हमको बाप सिखाया नहीं है। हाँ, हमको मेरा बाप सिखा के भेजा नहीं है। सही बात, वो तो मेरे साथ रह के आप इतना सीख गए। वाह वाह, नहीं तो आपको तो इतनी सी भी अक्ल नहीं। तो गाइस वहाँ पे देख लीजिए अंकल से कुछ पूछते हैं आप, वो काफी देर से देख रहे हैं। पहले बक दो, पहले पूछेंगे ना उनसे कैसा लगता है। ये अंकल जी हैं, कभी से देख रहे थे, तो आप बोलिए कुछ। बोले खुश रहो, अपने बनाओ, आराम से रहो। जब अंकल जी ऐसे आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, तो दिल बहुत चौड़ा हो जाता है। ऐसे अंकल कहाँ से हो, आगरा, कभी आएंगे तो घर को घुमाना है। चलिए ठीक है, लकी आ जाओ भाई।